In the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. My name is Numan. My roll number is 14. These are the main contents of presentation. So, still introduction की बात करते हैं, तो susceptibility और permeability की graph से हम लोग magnetic properties का behavior check कर सकते हैं कि किस तरह material में magnetic properties पाई जाती हैं। आगे हमने देखा था कि band theory में जो है जिस तरह band splitting होती है, उससे भी हम magnetic properties को check कर सकते हैं। Crystal field से जो है spin की alignment, disalignment से भी magnetic properties check की जा सकती हैं। और in the end जो आज का हमारा topic है, वो है magnetic anisotropy के angle जो है और direction apply फील्ड और हमारे मटेरियल के दरमियान वो जो है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को चेंज करवाने में किस तरह हेल्प करती है, दिस स्टडीज अंडर द मैग्नेटिक एंड आइसोट्रॉपी। आगे मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी की ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इनमें से जो पहली टाइप है हमारे पास क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी, सिर्फ ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो इसमें हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है। और क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी की बात करते हैं तो हम जो है 2 क्यूबिक और हेक्सागोनल जो हैं उनकी क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी की आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी इन जो है क्यूबिक सिस्टम। तो हमारे पास हमने लेट किया है कि हमारे पास इस क्यूबिक सिस्टम में एक आयरन डिस्क है और इस आयरन पे हमने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है 100 डायरेक्शन में या 110 डायरेक्शन में या 111 डायरेक्शन में, तो हमने देखा है कि कब हम जो है सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक पहुँच गए। सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वो मैग्नेटाइजेशन है जिसके बाद कोई और मजीद मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकती, वो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन है। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है 100 डायरेक्शन में हमने देखा कि बहुत जल्दी जो है बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से हम सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक पहुंच गए, तो इसको हमने इजी डायरेक्शन कहा है। तो इजी डायरेक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये वो डायरेक्शन है जिसमें ऑलरेडी हमारा जो मटेरियल है उसमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन मौजूद है। तो उसी में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लगाएंगे तो ईजीली हम लोग कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक पहुंच जाएंगे। और अगर हम किसी और डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें जो है ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी और एनर्जी लॉस होगा। तो ये डायरेक्शन जो है ये डिसाइड करती है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का बिहेवियर आप कैसे देख सकते हैं। तो आगे हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उन डोमेन्स को अलाइन करने के लिए जो वर्क कर रही है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उस मटीरियल में स्टोर हो जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखते हैं कि हमारे पास डोमेन्स, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई हुई, तो मुख्तलिफ डोमेन्स हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की एच इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास इस डायरेक्शन में सारे जो है डोमेन्स अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल जो है डोमेन जो है अलाइनमेंट होती है और आगे जो है हमारे पास मैक्सिमम जब सेचुरेशन हो जाती है तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की इक्वल हो जाती है। अगर हम केसेस को देखें कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो वो डिपेंड करता है हमारे एंगल पे। तो हमारा अगर एंगल जो है पैरेलल है इस डायरेक्शन में 0 0 1 0 में पैरेलल है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कॉस 0 जो है 1 आता है, तो माइनस एम एच वैल्यू आती है। अगर हम एंटी पैरेलल में देखें तो कॉस 180 जो है प्लस एम एच वैल्यू दे देता है। और अगर हम इस डायरेक्शन में देखें 1 0 0 में तो कॉस 90 0 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 आ जाती है। आगे बात करते हैं हार्ड डायरेक्शन की। तो पहले तो हमारे पास जो हमने अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड की थी उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डोमेन थे, लेकिन अगर हम 45 डिग्री पर हम लोग मैग्नेटाइजेशन जो है अप्लाई करें तो अब हमारे पास कोई भी डोमेन इस डायरेक्शन में नहीं है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी डोमेन को अलाइन करने के लिए सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक पहुंचने के लिए। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम लोग जो है सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक पहुंच सकते हैं अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हार्ड डायरेक्शन में भी और इजी डायरेक्शन में भी। हार्ड डायरेक्शन में हमारे पास जो है एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा और इजी डायरेक्शन में हमारे पास एनर्जी लॉस कम होगा। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें आयरन और निकल को, तो आयरन के केस में 100 जो है इजी डायरेक्शन है, कम अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड हम जो है सेचुरेशन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इन द केस ऑफ निकल हम देखें कि हमारे पास जो इजी डायरेक्शन है वो 111 इजी डायरेक्शन है। तो हमारे पास जो है इजी डायरेक्शन, हार्ड डायरेक्शन और इसी तरह निकल की इजी और हार्ड डायरेक्शन आ जाती हैं ताकि हम एनर्जी लॉस को एनालाइज कर सकें। आगे हम बात करते हैं क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी और क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी एनर्जी की। तो क्रिस्टल एनर्जी ये जो है ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जबकि क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी एनर्जी वो जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो वो पोटेंशियल एनर्जी है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस मटीरियल के अंदर इंड्यूस हो रही है। तो ये जो क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी एनर्जी है इसका फार्मूला जो है इस इक्वेशन में देखा जा सकता है, जो कि कॉन्स्टेंट्स K0, K1 और K2 पे डिपेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे α1 जो है, α2, α3 डायरेक्शन को साइंस है। अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन की वैल्यू पुट करें, कॉस 0 ABC की वैल्यू पुट करें, तो हम जो है कॉस 0 में पता है, कॉस जो है 0 में पता है वो 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 आ जाएगा। और कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 की वैल्यू आती है और K0 एनर्जी की वैल्यू आ गई। इसी तरह एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट डायरेक्शन में आ जाएंगी जब यहाँ पे 110 और 111 वैल्यूज हम जो है पुट करेंगे। आगे हम 2 केसेस की बात करते हैं कि अगर K1 की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमें जो है इस टेबल के लिहाज से हम देखते हैं कि K1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव लें तो हमें कम एनर्जी जो है देनी पड़ रही है इजी डायरेक्शन में, उससे ज़्यादा मीडियम डायरेक्शन में और सबसे ज़्यादा जो है हार्ड डायरेक्शन में एनर्जी देनी पड़ रही है। और अगर K1 नेगेटिव हो तो हमारे पास जो इजी डायरेक्शन है वो
ई ट्रिपल वन है तो जो इजी डायरेक्शन है उसमें कम एनर्जी हमें देनी पड़ती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी ई ट्रिपल वन में देनी पड़ती है। तो यहाँ से हम इस नतीजे में पहुँचे क्योंकि वन जो पॉजिटिव है वो आयरन का केस है, क्योंकि आयरन में जो है सबसे कम एनर्जी ई वन जीरो जीरो में देनी पड़ती है और के वन नेगेटिव जो है वो निकल का केस है जिसमें एनर्जी ई ट्रिपल वन में सबसे कम होती है। आगे बात करते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेस हैं, तो एक एक्सेस इसका प्रिंसिपल एक्सेस सी एक्सेस है और दूसरा है इसका 90 डिग्री पे इसके बेसल प्लेन है। तो हम अगर जो है पहले हमारे पास तीन थीटा थे, अब हमारे पास एक ही थीटा है, तो जूनी एक्सियल एनोस्ट्रोपी से कहेंगे क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू एक ही है। तो अगर हम एनर्जी के इक्वेशन की बात करें जिसमें पहले तीन थीटा थे उसमें अब हमारे पास एक ही थीटा है, तो हम इस एनर्जी की वैल्यू से हम लोग जो है एक थीटा की वैल्यू वेरी करके के वन के टू की वैल्यूज को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो कोबाल्ट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसको हमने ड्रा किया, तो हमने देखा कि हमारे पास जो है 0001 डायरेक्शन में बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लगाने से वो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक पहुंच गया, लेकिन जब हार्ड डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ी जैसा कि इस ग्राफ में देखा जा सकता है। आगे हमारे पास चार केसेस जो क्वाड्रेटिक बनाते हैं, अगर ये के वन और के टू दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स एक्सिस पे के वन है और वाई एक्सिस पे के टू है, तो हमारे पास अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे पास जो इजी एक्सिस आता है वो इजी सी एक्सिस है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं मतलब इस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी और मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी। दूसरे केस में के वन और के टू जो हैं दोनों नेगेटिव हैं तो हमारे पास इजी बेसल प्लेन आता है, इस पे अगर हम जो है इन दोनों वैल्यूज को नेगेटिव लें और इजी बेसल प्लेन पे अगर लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तीसरे केस में के वन नेगेटिव है के टू पॉजिटिव है तो हमारे पास एक कोन मिलती है, तो इस कोन ये जो हमारे पास इजी कोन है इस पे अगर हम लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो हमारे पास इजी मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। और आखिरी केस में हमारे पास के वन पॉजिटिव है के टू नेगेटिव है तो अगर ये एक्जैक्टली दूसरे के इक्वल और नेगेटिव है तो हमारे पास वो जीरो और 90 डिग्री पर हमारे पास इजी डायरेक्शन आ जाती है और इजीली हम लोग सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास ओरिजिन क्या है, तो हमारे पास डिफरेंट ओरिजिन हो सकते हैं इस क्रिस्टल एनोस्ट्रोपी के, इलेक्ट्रॉन स्पिन, ऑर्बिटल स्पिन और लैटिस स्ट्रक्चर। हमारे पास जो है स्पिन स्पिन कपलिंग हमें पता है कि इसका रिस्पॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट बहुत कम होता है, तो ये जो इंटरेक्शन है वो ओरिजिन जो है नहीं हो सकता। इसके अलावा हम अगर स्पिन लैटिस कपलिंग की बात करें तो इसका भी जो रिस्पॉन्स है मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये भी जो है क्रिस्टल एनोस्ट्रोपी का ओरिजिन नहीं हो सकता। आगे अगर ऑर्बिट लैटिस कपलिंग की बात करें तो उसका भी जो रिस्पॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो ओरिजिन बन जाए क्रिस्टल एनोस्ट्रोपी का। तो इन दी एंड हमारे पास जो ओरिजिन है वो बनता है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, ये जो कपलिंग है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास क्रिस्टल एनोस्ट्रोपी की। तो अब जो है अगर हम कंपेयर करें इस डाटा को कि हमने जो है आयरन की बात की उसमें इजी डायरेक्शन 100 है, वो बी सी स्ट्रक्चर है और उसमें जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 111 में आती है, मैक्सिमम डेंसिटी 111 में और इजी डायरेक्शन हमारे पास 100 है, लेकिन निकल में हमने देखा कि हमारे पास इजी डायरेक्शन जो है 111 में और मैक्सिमम जो डेंसिटी है वो हमारे पास 100 डायरेक्शन में आ रही है। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, 25% आयरन ले लेते हैं, 75% निकल ले लेते हैं, तो मिक्स करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलता है वो तो एफसीसी मिलता है, लेकिन 75% निकल ऐड की है हमने, लेकिन हमारे पास अब जो इजी डायरेक्शन मिल रही है इसके मिक्सिंग मटीरियल के बाद वो आ रही है 100, जबकि निकल का इजी एक्सेस तो 111 था। तो इससे हमने देखा कि जब इन दोनों मटेरियल्स को मिलाया गया तो हमारे पास एक डिफरेंट बिहेवियर भी ऑब्टेन हो गया। तो डिफरेंट मटेरियल्स को मिलाने से डिफरेंट के की वैल्यूज रिड्यूस होती हैं और हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर जो है वो हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है। अगर हम और अब हम बात करते हैं जो मैग्नेटाइजेशन है ये लॉस्ट हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो और एक टाइम आता है क्यूरी पॉइंट जब हमारी सारी मैग्नेटाइजेशन लॉस हो जाती है। तो हम जो है इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर हम जीरो कोरेसिटिविटी अटेन कर लें, और जीरो कोरेसिटिविटी अटेन करने का मतलब है कि हम उसके अंदर जीरो क्रिस्टल एनोस्ट्रोपी जो है उसको अटेन कर चुके हैं, तो हमारे और अभी भी उसके अंदर कोई ना कोई मैग्नेटाइजेशन है, तो अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परमियबिलिटी अटेन हो जाएगी। तो हमने देखा कि हम किस तरह जो है डायरेक्शंस की मदद से एनर्जी लॉस को कम कर सकते हैं, और स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन में ही एनर्जी लगाएंगे तो हम जल्दी जो है जल्दी मैग्नेटाइज कर लेंगे उस अपने मटेरियल को। यही चीज़ हमने निकल के केस में देखी, क्यूबिक स्ट्रक्चर में भी देखी और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में देखी, और इन दी एंड हमने ओरिजिन देखा कि क्या ओरिजिन हो सकता है इस एनोस्ट्रोपी का। तो ये मेन टॉपिक्स थे और ये हमने जो है रेफरेंस बुक यूज़ की है। थैंक यू सो मच।